हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में पद परिचय करना सिखाएंगे। देखिए, क्लास टेंथ का बुक है, चैप्टर 3 हिंदी ग्रामर का पद परिचय, उसका क्वेश्चन नंबर 8 आपको हम सिखाएंगे। ठीक है बच्चों, आप वीडियो को, मेरा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को साउंड दे के सुनकर तब आप कॉपी में नोट कीजिएगा, इसलिए क्योंकि आपको उसमें समझ में आ जाएगा। अगर कुछ कुछ बच्चे होते हैं कि केवल कॉपी में नोट कर लेते हैं, तो अगर आप नोट कर लोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये समझने का ही चैप्टर है। तो आपको चलिए हम समझा कर कॉपी में लिख करके हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, आज बहुत तेज़ी से वर्षा हुई। तो यहाँ पर लिखा है रंगीन पदों का पद परिचय दीजिए, यानी ये रंगीन पद है आज बहुत तेजी, इनका आपको परिचय देना है। ठीक है, तो परिचय देते समय क्या क्या परिचय देना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, सम्मान बोधक, विस्मयादि बोधक। तो मान लीजिए जो भी शब्द है वो मान लीजिए संज्ञा है। ठीक है, तो आपको लिखने होगा संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक, और सर्वनाम अगर होगा तो सर्वनाम के भेद लिखना है, और उसमें लिंग लिखना है, पुरुष लिखना है, कौन सा पुरुष है सर्वनाम के, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, और वचन लिखना है, कारक लिखना है, और विशेषण अगर होगा तो विशेषण का भेद लिखना है, लिंग लिखना है, वचन लिखना है, क्रिया होगा तो क्रिया का भेद, लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि लिखना है, क्रिया विशेषण होगा तो क्रिया विशेषण का भेद लिखने होगा, और समुच्चय बोध होगा तो उसका भेद, सम्मान बोधक का भेद, विस्मयादि बोधक का भेद। इस प्रकार हम विभिन्न पदों का परिचय देते हैं। तो चलिए इसको हम कॉपी में करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आज, फिर बहुत और तेजी, इसका हम परिचय आपको सिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम लिखेंगे आज, आज, तो आज क्या है, आज है अव्यय, अव्यय है यानी क्रिया विशेषण। तो कौन सा क्रिया विशेषण, इसका भेद लिखना है, तो भेद में हो जाएगा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। यानी जब एक क्रिया विशेषण है तो आपको क्रिया विशेषण का भेद को भी जानने होगा। ठीक है, तो आज ये काल मतलब समय का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। उसके बाद बहुत, बहुत, बहुत क्या है, ये भी अव्यय है, ये बहुत हो रहा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण उसके बाद तेजी, तेजी, तेजी भी अव्यय है, और ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यानी प्रत्येक पदों को देखने होगा वो क्या है, और उसके अनुसार आपको परिचय देना है। अब देखिए सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन में है ताजमहल बहुत सुंदर स्मारक है। इसमें आपको ताजमहल, ताजमहल का परिचय देना है, बहुत का देना है, सुंदर का देना है, अलग अलग से सभी का परिचय आपको देना है। ठीक है, तो चलिए
हम दूसरा नंबर को करते हैं। सबसे पहले ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल क्या है? ये एक संज्ञा शब्द है, संज्ञा है। अब आपको संज्ञा का भेद लिखने होगा, यानी ताजमहल कौन सा संज्ञा है। तो ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जब आप संज्ञा लिखोगे तो साथ में आपको संज्ञा का भेद लिखना है, उसके बाद आपको लिंग लिखने होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा स्त्रीलिंग, और उसके बाद आपको वचन लिखने होगा, वचन हो जाएगा एक वचन। एक वचन, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है बहुत, बहुत। तो यहाँ पर बहुत में हो जा रहा है, तो यहाँ पर बहुत हो जाएगा विशेषण, विशेषण। और विशेषण का कौन सा भेद हो जाएगा? अनिश्चित परिमाण वाचक। अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण, ये विशेषण का भेद हो जाएगा। बच्चों आप देखिए यहाँ पर बहुत है, लेकिन यहाँ पर बहुत में हम अव्यय दिए हैं और परिमाण वाचक क्रिया विशेषण दिए, इसलिए हम क्रिया विशेषण दिए। क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पर क्या था क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर था आज बहुत तेजी से वर्षा हुई, तो यहाँ पर क्रिया हो रहा है, काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है बहुत सुंदर, और ये सुंदर क्या है? एक विशेषण शब्द है, इसलिए यहाँ पर ये विशेषण हुआ, ठीक है। बात समझ में आया? ये बहुत हो गया अव्यय, लेकिन ये विशेषण, ये क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया हो रहा है, जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण होता है, और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण, ठीक है। इसलिए विशेषण हुआ, क्लियर। अब उसके बाद देखिए सुंदर, अब हम सुंदर का लिखेंगे, तो सुंदर क्या है? सुंदर भी विशेषण शब्द है, और विशेषण में गुणवाचक है, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। विशेषण का भेद में हो गया पुल्लिंग एकवचन। एक वचन, ठीक है। आप थर्ड नंबर क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। थर्ड नंबर में है वह आ जाएगा, तुम उसके साथ चले जाना। वह का लिखना है रंगीन पद, देखिए क्या क्या है, वह, तुम, उसके, ये तीनों का परिचय आपको देना है। तो पहले हम वह लिखते हैं, तो वह क्या है? एक सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम का पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, पुल्लिंग एकवचन,
ठीक है, उसके बाद तुम का क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, पुल्लिंग एकवचन। एक वचन यानी सर्वनाम में सर्वनाम के भेद लिखने होगा, पुरुष लिखने होगा, लिंग होगा, वचन होगा लिखने, पुरुष एक वचन, ठीक है। उसके बाद उसके, उसके इसका परिचय लिखना है, उसके भी हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, वह, तुम, उसके, उन्होंने, ये सब क्या होता है, सर्वनाम शब्द होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा पुरुष, अन्य पुरुष, यानी सर्वनाम का भेद लिखना है, पुल्लिंग, पुल्लिंग और एकवचन, ठीक है। अब नेक्स्ट चार नंबर करेंगे, तो चलिए चार नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए चार नंबर का क्वेश्चन, तीन आदमी बहुत देर से वहाँ खड़े बातें कर रहे थे। यहाँ पर देखिए तीन, तीन का परिचय देने होगा, सब अलग अलग से देने होगा, आदमी, फिर बहुत, फिर देर, फिर वहाँ, फिर बातें, इतना सारा पद का आपको परिचय देना है चार नंबर में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तीन, तीन का पद परिचय पहले लिख लेते हैं। तीन का क्या होगा, विशेषण है, कितने आदमी, तीन आदमी, तो तीन हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, यानी निश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण निश्चित संख्यावाची, तीन का हो गया। उसके बाद आदमी, आदमी का पद परिचय देंगे। तो बच्चों आदमी क्या है, संज्ञा शब्द है, संज्ञा का भेद जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि आदमी का नाम नहीं लिया गया है इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पुल्लिंग, लिंग क्या है, पुल्लिंग, पुल्लिंग एक वचन आदमी का बोला गया है, एक वचन और एक वचन कर्ता कारक, कर्ता कारक, या तीन है, तीन क्या है, बहुवचन है, लेकिन यहाँ हम केवल आदमी का, जिसका करेंगे पद परिचय उसी को देखेंगे, तो यहाँ आदमी है इसलिए यहाँ पर हम एक वचन लिखे हैं। उसके बाद बहुत, बहुत, बहुत हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण,
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और देर। नेक्स्ट देखिए देर, देर क्या हो जाएगा अव्यय कालवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का भेद हो जाएगा कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण। अब वहां का लिखने होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण वहां, उसके बाद क्या है बातें, बातें बातें क्या हो जाएगा बातें कर रहे थे, यानी बातें क्या हो जाएगा क्रिया, क्रिया कौन सी क्रिया अकर्मक क्रिया, क्रिया लिखने होगा, उसके बाद क्रिया का भेद अकर्मक। अकर्मक क्रिया हो जाएगा बातें कर रहे थे पूर्ण भूतकाल, काल भी लिखने होगा, क्रिया में काल भी लिखा जाता है। पूर्ण भूतकाल पुल्लिंग पुल्लिंग बहुवचन, क्योंकि बातें बात नहीं है बातें हैं इसलिए बहुवचन हो गया। और वाच्य लिखने होगा कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य ठीक है। अब पांच नंबर क्वेश्चन को देखिए, पांच नंबर है राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर मारा मारा का पद परिचय देंगे। पांच नंबर मारा, केवल मारा में रंगीन है तो मारा क्या हो जाएगा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया रावण को, किसको मारा रावण को, यानी रावण को हो गया कर्म ठीक है। अब सिक्स नंबर देखिए, मैं कल दौड़ूंगा, या कल और दौड़ूंगा दोनों का पद परिचय देना है। सिक्स नंबर कल, कल क्या है अव्यय है, भेद कालवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि यहाँ पर समय का बोध हो रहा। कालवाचक क्रिया विशेषण और दौड़ूंगा, दौड़ूंगा दौड़ूंगा क्रिया है, दौड़ना क्या है क्रिया है, क्रिया का कौन सा भेद है ये है तो क्रिया, क्रिया का कौन सा भेद अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया है पुल्लिंग, पुल्लिंग एक वचन, एक वचन और काल भी लिखने होगा भविष्यत काल। भविष्यत काल। अब सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए, राम ने
श्याम को बुरी तरह से मारा तो राम ने, पद परिचय देना है राम ने और मारा, मारा का तो पहले ही हम बता दिए हैं इसलिए हम राम ने का बता दे रहे हैं, ठीक है। 7 नंबर, 7 नंबर करते हैं, राम ने तो राम क्या है, संज्ञा है, संज्ञा का कौन सा भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, ठीक है। मारा, क्या होगा, वही वाला होगा पहले ही सिखा दिए हैं, श्याम को, यानी किसको मारा, श्याम को, तो यहाँ पर कर्म है इसलिए हो जाएगा सकर्मक क्रिया। और किसको मारा, श्याम को, तो यहाँ पर हो जाएगा श्याम को कर्म, ठीक है। आप देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, विद्वान लोग, सदैव समय का सदुपयोग करते हैं, विद्वान और करते हैं, ये दोनों का पद परिचय देना है। तो इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप सभी बच्चों को देखने में इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा, इसलिए हम 10-10 करके क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। तो विद्वान, क्या है, एक विशेषण शब्द है, गुणवाचक विशेषण, और लिंग होगा पुल्लिंग, और वचन होगा एक वचन। ठीक है। और है करते हैं, इसका परिचय देंगे, समय का उपयोग करते हैं, क्या करते हैं, समय का उपयोग, तो क्रिया हो जाएगा करते हैं सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एकवचन। और क्रिया में, क्रिया का भेद लिंग वचन, और काल लिखा जाएगा, कौन सा काल, करते हैं वर्तमान काल, और वाच्य होगा कर्तृवाच्य, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है, हम मुंबई गए पर कोई लाभ नहीं हुआ, मुंबई और लाभ, ये दोनों का पद परिचय आपको देना है, ठीक है। 9 नंबर, मुंबई क्या है, मुंबई एक संज्ञा शब्द है, कौन सी संज्ञा है, नाम ले लिया गया है जगह का, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, प्रोपर नाउन। वचन क्या है, एक वचन,
स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। अब लाभ, लाभ भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कल हमने ताजमहल देखा, कल और ताजमहल ये दोनों का पद परिचय देंगे। तो आज का वीडियो में मैंने 1 से 10 तक ही करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आगे का प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन हम 10 नंबर कर लेते हैं। 10 नंबर में कल, कल कल क्या होगा, अव्यय और भेद होगा कालवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि ये समय का बोध करा रहा है। और उसके बाद ताजमहल, ताजमहल ताजमहल का परिचय क्या होगा, पद परिचय। संज्ञा है, ताजमहल क्या है, संज्ञा शब्द है, कौन सा संज्ञा, व्यक्तिवाचक, क्योंकि इसमें नाम ले लिया गया है, ठीक है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक वचन, एक वचन पुल्लिंग, पुल्लिंग कर्मकारक, कर्मकारक। तो बच्चों आज का वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन का सॉल्व कर दिए हैं, और अगर आपको आगे और भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपका पूरा पूरा हेल्प करने का ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगी। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।